तैयारियां हैं इस वक्त की जो है इलेक्शन की तैयारी। जी हाँ दर्शकों, मेयर के और पार्षद के जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ पर नगर निगम के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसी की तैयारी की हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा तैयारी को लेकर लोग जागरूक है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मेयर का हो या पार्षद का वो भी काफ़ी सारा रुझान देखने को मिल रहा है कि वो किस तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, हर कोई नए नए वादे कर रहे हैं। तो हम आपको एक खास ऐसे समाज सेवक से आज मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है चंद्र प्रकाश बाड़ा। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप समाज सेवा में आए और आप क्यों चाहते कि समाज सेवा से एक जन कल्याण हो। मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहते हुए समय समय पर बहुत सारे सामाजिक कार्य और बहुत सारी शिक्षा वहाँ से प्राप्त होती है। जो जो संघ परिवार से सीखने को मिला वही समाज में करते रहे और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं समय समय पे मैंने बनाई, और मैंने तो बनाई पर उसका इस्तेमाल लोगों ने किया और उस लाभ से लोग आसमान छू गए और समय समय पे उन्होंने कोई विधायक बन गया, कोई एमपी बन गया और हम कार्यकर्ता के रूप में वैसे ही बचे के बचे रह गए। हमारे तक कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया, हमने कभी कुछ मांगने की कोशिश की गई तो हमारी आवाज़ को दबा दिया गया, और जिसका समाज में प्रतिरोध भी बहुत है और बहुत ज़्यादा पब्लिक नाराज भी है। और जैसे समर्पण द डिवोशन, रिलायंस फुटबॉल क्लब मैंने रुड़की के अंदर बनाया, रुड़की के अंदर ब्लड बैंक अगर कहीं स्थापित है तो मैंने 99 बार मैंने रक्तदान किया हुआ है, और वो रक्तदान जो मैंने किया मेरे साथ साथ पूरी रुड़की की जनता ने रक्तदान किया, और ब्लड बैंक की जो स्थापना हुई, पहले कभी हम चलते फिरते ब्लड बैंक थे, जब किसी की आवश्यकता होती तो हम रक्तदान करते थे और बड़ी प्रसन्नता होती थी, और समय समय पर हम हॉस्पिटलों में जाकर भी देखते थे, आज भी देखते हैं कि हमारे रक्त का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और हमने डॉक्टर से फैसिलिटी भी मांगी थी कि जो लोग रक्तदान करते हैं तो कम से कम उनके परिवार की अगर कोई समस्या है तो उसमें उनको सहयोग भी प्राप्त हो और उसका जनता को लाभ भी पहुँचा। और बहुत सारे कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे काम करने को मिले, तो मैं पिछली 3 योजना से नगर निगम पार्षद हूँ, रुड़की से इसी क्षेत्र से हूँ, इसी वार्ड से हूँ, और पता नहीं क्या है क्यों कुछ लोग नाराज रहते हैं, और मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीवन जीता रहा, और फिर जो नहीं चाहते कि एक कार्यकर्ता ऊंचा बढ़े तो कभी तो उसका टिकट काट दिया जाता है, कभी उसकी वोटें काट दी जाती है, कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा। हाँ, पिछली बार भी मेरा टिकट काट दिया गया, फिर मेरी वोट काट दी गई, और फिर मैंने अपनी परिश्रम से प्रयास से अपनी वोट जुड़वाई तो मेरे वार्ड की कम से कम 350 वोटें काट दी गई अनाज मंडी की, और उसकी उनका भी रोष मेरे ऊपर डालने की कोशिश गई, पर वो लोग मुझसे नाराज नहीं हुए क्योंकि वो जानते हैं मैं क्या हूँ, और वही चीज़ इन्होंने इस बार भी मेरे लिए उत्पन्न कर दी। और मैं समाज के लिए लड़ता रहा, लड़ता रहूँगा, और ना मैं रुका और ना मैं थका, और चलता रहूँगा। मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि राजनीति में आप क्यों आए, जैसे कि आप समाज सेवा में थे पहले, क्या आपको लगा कि राजनीति में आके क्या किस तरह से आप सेवा करेंगे? चाहता मैं नहीं, पब्लिक की इच्छा है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, शायद इसको बल मिल जाए, बल मिलेगा तो शायद कुछ अच्छा कर पाए जी, इसीलिए जो है चाहता है प्रत्येक व्यक्ति ये आगे बढ़े, और मुझे बढ़ाने का प्रयास जनता कर भी रही है, और पिछली 3 योजना से मैं पार्षद हूँ, एक बार मैं बन गया, एक बार मेरी पत्नी बन गई, फिर उसके बाद मुझे बना दिया गया, अब उसको बनने के बाद जो अब ये चौथा जो मेरा राउंड है, इस राउंड के अंदर जो है फिर मेरा मेरे टिकट को काट दिया गया, जिसका जनता में रोष है, और जनता के कहने पर ही मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ और मैं अपने वार्ड से लड़ रहा हूँ, और पार्षद का भी जनता ने कहा भाई हमें पार्षद भी आप ही चाहिए, और पार्षद के साथ साथ हमें मेयर भी आप ही चाहिए।